क्या आपने कभी सोचा है कि जब गाड़ी का टैंक फुल हो जाता है तो पेट्रोल पंप का नोजल अपने आप कैसे बंद हो जाता है और बिना किसी पावर सप्लाई के काम कैसे करता है? वेल, जिस नोजल की मेन पाइप से पेट्रोल पास होता है उसी के नीचे छोटा सा छेद होता है जिसे वेंचुरी ट्यूब कहते हैं। लेकिन यह ट्यूब आगे जाके एक वाल्व से जुड़ा होता है जिससे होकर हवा अंदर जाती है और इसीलिए तो पेट्रोल मक्खन की तरफ फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही टंकी फुल होती है तो फ्यूल से यह छेद बंद हो जाता है और एयर फ्लो रुकने के कारण अंदर वैक्यूम बन जाता है। लेकिन फिर इसी प्रेशर चेंज के कारण वाल्व ट्रिगर्ड हो जाता है जिसके बाद पेट्रोल भरना बंद हो जाता है।